So this is lab number 9. The topic that we are going to be covering is nested queries. Nested queries basically आपके पास एक ऐसा scenario है जहाँ पे आप कोई criteria define करना चाह रहे हैं अपनी query के अंदर, लेकिन आपके पास जो criteria है that is not fixed. So for example, आप एक तरफ तो where clause में simple criteria ये बता देते होते हैं कि वेयर सैलरी इज़ इक्वल टू 2000, तो फिर तो बड़ी आसानी से आपके पास 2000 का नंबर आप एग्जैक्टली राइट कर देते हैं एंड द क्वेरी रन्स परफेक्टली फाइन. लेकिन व्हाट इफ़ के दैट 2000 या 5000 इज़ समथिंग ऑफ अ वेरिएबल जो कि किसी क्राइटेरिया के बेस पे डेटा में से ही एक्सट्रैक्ट करना है ऑन द रन टाइम एंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड प्रीएम्प्टिवली. तो आप अगर उसको पहले से डिफाइन नहीं कर सकते तो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको अपनी क्वेरी रन करनी है, मेन क्वेरी फॉर सम आंसर. लेकिन इन ऑर्डर टू रन दैट क्वेरी यू एक्चुअली हैव टू फाइंड आउट समथिंग एल्स एज वेल, यानी कि देर इज़ अ क्वेरी विद इन अ क्वेरी. तो पहले तो वो इंटरनल क्वेरी एग्जीक्यूट होनी है और उस इंटरनल क्वेरी के बेस पे जो आउटर क्वेरी है दैट हैज़ टू रिट्रीव सम रिजल्ट्स. तो ये आपका नेस्टेड क्वेरीज का कॉन्सेप्ट है. इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो लेट्स से हमारे पास सवाल ये था कि जी हु हैज़ अ सैलरी ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉई हुज नेम इज स्मिथ. कि स्मिथ की सैलरी से ज़्यादा जिन जिन लोगों की सैलरी है हमें उनके नाम बता दिए जाएं. तो भाई पहला सवाल, मेन क्वेश्चन तो यही है कि सैलरी स्मिथ की सैलरी से ज़्यादा किन किन लोगों की सैलरी है. बट एक्चुअली अंडरलाइन क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई स्मिथ की सैलरी क्या है. नाउ एक तो तरीका अप्रोच ये हो सकती है कि आप स्मिथ की सैलरी आइडेंटिफाई करें, उसको एज इट इज़ लिख दें, हार्ड कोड कर दें. बट द इशू विद दैट इज़ कि इट इज़ पॉसिबल कि बाद में स्मिथ की सैलरी इंक्रीज हो जाए या स्मिथ की सैलरी डिक्रीज हो जाए. सो इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि स्मिथ की सैलरी चेंज हो सकती है, सो देन यू कैन नॉट ऑलवेज गो डाउन इन द स्क्रिप्ट बार बार उसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यूज़ को चेंज करते रहें, बिकॉज ओवर द टाइम यू मे इवन फॉरगेट कि आपने क्वेरी कहाँ कहाँ पर स्टोर की थी और वो क्वेरी किधर किधर रेफर हो रही थी. इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल कि हम चीज़ों को अननेसेसरीली हार्ड कोड ना करें. और ये फंक्शनैलिटी देने के लिए फिर हम लोग नेस्टेड क्वेरीज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि एक क्वेरी के अंदर ही दूसरी क्वेरी लिख देते हैं और उस क्वेरी के अंदर इंटरनल क्वेरी के अंदर हम इंफॉर्मेशन फेच कर रहे होते हैं. सो ये हाउ ऑल ऑफ दिस वर्क्स इज़ कि हम पहले जो एक्सटर्नल क्वेरी होती है उसके अंदर तो इंफॉर्मेशन मैप करते हैं और उसके बाद उसकी वेयर क्लॉज के अंदर हम जहाँ पर हमने क्राइटेरिया बताना होता है उस क्राइटेरिया में हम जो सब क्वेरी होती है वो मेंशन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एग्जांपल में शो किया जा रहा है कि सिलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के बाद आपने दो ब्रैकेट्स के अंदर एक और कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट क्वेरी लिख दी है एंड द क्वेरी इज सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर लास्ट नेम इज़ एपल. तो अब आपने एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट क्वेरी लिख दी है विद इन द क्वेरी. और इफ़ यू कैन जस्ट सिंपली फॉलो द लॉजिक, बेसिकली वो यही है कि आउटर क्वेरी उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक इंटरनल क्वेरी अपना रिजल्ट नहीं देगी. सो जब द सब क्वेरी वंस द सब क्वेरी रिटर्न्स द रिजल्ट्स, उसके बाद आपके पास सैलरी की कोई वैल्यू रिटर्न हो जाएगी विच इन दिस केस इज बीन शोन एज 11,000. तो ये 11,000 की वैल्यू के ऊपर फिर बाकी की क्वेरी ने एग्जीक्यूट होना है. अब इस स्पेसिफिक सब क्वेरी को यूज़ करने का फ़ायदा ये हो गया कि इवन इफ देर इज़ अ चेंज लेट्स से इन द सैलरी ऑफ द स्पेसिफिक एम्प्लॉय, तब भी आपकी क्वेरी और आपकी जो लॉजिक है दैट विल रिमेन वैलिड थ्रू आउट द पीरियड. तो ये इवन इफ द डेटा वैल्यू इटसेल्फ चेंजेस, लॉजिक विल रिमेन ट्रू. इस वजह से आप कहेंगे कि भाई ये जो नेस्टेड क्वेरीज का कॉन्सेप्ट है दिस इज pretty useful and valid concept. So इस query के अंदर basically अब आपके पास 11,000 की value return होगी and जो outer query will now only see the value of 11,000 और वो उसके accordingly बाकी की query को run करेगी. So the outer query would look something like select last name from employees where salary is greater than 11,000. तो ये आपके पास एक scenario आ जाएगा.
सब क्वेरी को यूज करने का अगर हम बिल्कुल सिंपल देखें तो गाइडलाइंस क्या हैं कि जी सब क्वेरी पेरेंथेसिस में इंक्लोज्ड होती है, एज वी हैव सीन अबव, इफ यू रिमेम्बर तो आपके पास जो सब क्वेरी लिखी हुई थी दैट वाज इंक्लोज्ड इन पेरेंथेसिस। ओके लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट। सो नाउ विद इन द रेड बॉक्स यू शुड बी एबल टू व्यू के जो पूरी क्वेरी है वो एक्चुअली इंक्लोज्ड है। तो ये एक आपका बेसिक कंसर्न होता है कि आप उसको उस पेरेंथेसिस में क्लोज करके एक जो पार्सर है उसको इंटरप्रिटेशन शो कर रहे होते हैं कि नाउ ये जो चीज़ है सारी ये सब क्वेरी है। और सेकेंडली हम जनरली इस क्वेरी को ओवरऑल रीडेबल बनाना चाहते हैं, लिहाजा जनरल प्रैक्टिस ये होती है कि हम जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं उनके राइट साइड पे सब क्वेरी को लिखते हैं, नॉट ऑन द लेफ्ट साइड। नाउ वी डोंट हैव मच अगेंस्ट इट, लेकिन जनरली रीडेबिलिटी परस्पेक्टिव से दिस बिकम्स मच ईजियर, तो दिस इज समथिंग ऑफ अ सूडो स्टैंडर्ड दैट वी फॉलो। अब इसमें हमारे पास जनरली अगर हम क्लासीफाई करना चाहें सब क्वेरीज को तो वी कैन क्लासीफाई इट इंटू टू टाइप्स। एक टाइप हो सकती है जी कि जब आप सब क्वेरी लिख रहे हैं और आपके पास एक सिंगल रो रिटर्न हो रही है, विच वॉज द केस अबव कि जब आपने कहा था कि भाई उस सैलरी की एग्जैक्ट वैल्यू आ जानी है उस एम्प्लॉय की, सो दैट वॉज अ सिंगल रो। एंड देन इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके पास मल्टीपल रोज आ रही हो, तो मल्टीपल रोज के केस में आपके पास सब क्वेरी जो है एक सब क्वेरी रिटर्न होगी और वो मल्टीपल रोज को रिटर्न करेगी, तो ये आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि दो डिफरेंट काइंड ऑफ सब क्वेरीज हो सकती हैं। सो नाउ कमिंग टू द सिंगल रो सब क्वेरी स्पेसिफिकली, अगर हम देखें तो एक सेलेक्ट स्टेटमेंट जो होती है वो एक क्वेरी ब्लॉक होता है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास रिक्वायरमेंट से ही अंदाज़ा हो जाता है कि वेयर डू वी वॉन्ट टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सब क्वेरीज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एम्प्लॉयज हुज जॉब इज द सेम एज दैट ऑफ एम्प्लॉय 141 एंड हुज सैलरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एम्प्लॉय 143। नाउ आपको एक तो जनरल आइडिया दिया कि हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, हम कुछ एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो दैट इज़ प्रॉबली द मेन क्वेरी। लेकिन देन उन एम्प्लॉयज़ को फिल्टर आउट करने का क्राइटेरिया क्या है, तो हमें ये बताया कि दो क्राइटेरिया है जी। एक क्राइटेरिया है कि जिसकी जॉब आईडी सेम हो एज एम्प्लॉय 141 के, और फिर दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हु सैलरी इज ग्रेटर देन एम्प्लॉय 143। तो अब ये दो क्राइटेरिया डायनेमिक क्राइटेरिया है, इसमें ऐसा कहीं नहीं बताया जा रहा कि भाई जिस बंदे की सैलरी हो 2000 और जिसका जॉब टाइटल हो मैनेजर, एग्जैक्ट हार्ड कोडेड इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई बल्कि एक इनडायरेक्ट वे में क्राइटेरिया बताया गया है। सो वेन एवर वी हैव दिस स्पेसिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया इन एन इनडायरेक्ट मैनर, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सब क्वेरीज वुड बी अ सूटेबल चॉइस। तो सब क्वेरीज को फिर यूज़ करने का तरीका क्या होगा कि आपके पास ये जो इनडायरेक्ट क्राइटेरिया, इसके लिए आप सब क्वेरीज मेंशन करेंगे। सो सब क्वेरीज वुड बी समथिंग अलोंग द लाइन के भाई वेयर जॉब आईडी इज़ द सेम एज एम्प्लॉय 141 एंड सैलरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एम्प्लॉय 143, तो ये आपके दो सब क्वेरीज मेंशन हो जाएंगी। और इन दोनों सब क्वेरीज बोथ ऑफ दीज विल बी द इनर सब क्वेरीज, ठीक है। और जो आउटर क्वेरी होगी वो क्या होगी, वो एक्चुअली ये ओवरऑल चीज़ होगी कि भाई सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय सैलरी एंड अदर डिटेल्स ऑफ फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, और उस वेयर के बाद ये वाली दो चीज़ें आप लोग स्पेसिफाई कर रहे होंगे, दो सब क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर रहे होंगे। सो इफ यू लुक एट इट, तो बेसिकली वंस यू रन इट यू विल फाइंड आउट कि ये जो आपके पास फर्स्ट क्राइटेरिया था कि एम्प्लॉय 141 की एक्चुअल में जॉब आईडी क्या है, तो इट दैट आंसर दैट क्वेरी विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्टेशन क्लर्क। और जब आप सेकंड क्वेरी रन करेंगे कि एम्प्लॉय 143 की सैलरी क्या है, तो एम्प्लॉय 143 की सैलरी आएगी 2600। फिर उसके बाद आप आउटर ब्लॉक के अंदर ये क्राइटेरिया आपका बन जाएगा कि एक्चुअल में जिसकी जॉब आईडी इक्वल टू स्टेशन क्लर्क हो और जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 2600 हो, उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जाए या उन एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन को रिटर्न किया जाए। सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म द क्वेरी ओवरऑल।
फिर सब क्वेरीज के अंदर हमारे पास एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस क्या है जी, क्या हमने पहले डिस्कस किया था कि वो मल्टीपल रोज, यानी कि आपके पास ज़्यादा जो डेटा है उस डेटा के ऊपर कुछ आप उसकी रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइक काउंट, सम, एवरेज, मीन, मीडियन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जब हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं कि वो ओवरऑल पूरे डेटा की रिप्रेजेंटेशन इन द सिंगल नंबर कर रहा होता है, तो दैट इज एग्रीगेट फंक्शन। तो सब क्वेरी, ये जो एग्रीगेट फंक्शन है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्टली सपोर्ट करते हैं आपकी सब क्वेरी के अंदर। इसको अगर हम देखना चाहें तो दिस इज एन एग्जाम्पल दैट वुड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कि आप ये चाह रहे थे कि भाई जिस एम्प्लॉय की सैलरी मिनिमम सैलरी से ज़्यादा हो तो वो एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, या जिस एम्प्लॉय की सैलरी मिनिमम सैलरी के इक्वल है उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें। सो उसके लिए आपके पास एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें। सब क्वेरी में आप मिनिमम सैलरी सेलेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ द रेड बॉक्स शोन हियर, ठीक है, और उसके बाद मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ की वैल्यू रिटर्न होगी 2500। अब आपने ये सेलेक्ट एक्स वाई जेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी इज इक्वल टू 2500, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि जिसकी मिनिमम सैलरी है वो सैलरी रिटर्न हो जाए, और जितने भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी वो सब की डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ही हमने लगा था कि एग्रीगेट फंक्शंस में बाज़ दफ़ा हम क्राइटेरिया भी अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए हमने हैविंग की क्लॉज और ग्रुप बाय की क्लॉज ये सारी यूज़ करने की कोशिश की थी लास्ट लैब में। दैट इज़ द सेम थिंग हियर कि आप ग्रुप बाय और हैविंग यूज़ कर सकते हैं और कंपेरिजन ऑपरेटर के साथ आप सब क्वेरी को मैप कर सकते हैं। दीज आर परफेक्टली वैलिड एंड फाइन क्वेरीज जो कि आपको डिफरेंट सिनेरियोज में हेल्प करती हैं इन एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन दैट यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट। फिर हमने देखा था कि जी आपके पास दो किस्म की सब क्वेरीज होती हैं, एक सिंगल रो सब क्वेरीज होती हैं और एक मल्टीपल रो सब क्वेरीज होती हैं। मल्टीपल रो सब क्वेरीज में आपके पास तीन वेरिएंट्स आ जाते हैं, जब इन, एनी और ऑल। इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके आप अपने ऑपरेशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इनका मतलब ये है कि चूंकि आपके पास मल्टीपल रोज रिटर्न हो रही है तो नाउ यू हैव टू सेलेक्ट या मैच समथिंग फ्रॉम those that list of items। any का मतलब यह है कि कंपेयर करना है हर वैल्यू को, और अगर कोई एक वैल्यू भी उसके साथ मैच कर जाए तो आपने उस फिल्टर या उस क्राइटेरिया को ट्रू कंसिडर कर लेना है। सो पार्टली इन एंड एनी आर वेरियंट्स ऑफ वन अनदर। उसके बाद ऑल आ जाता है जी। ऑल के केस में आप कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द वैल्यूज दैट हैव बिन रिटर्न्ड बाय सब क्वेरी मस्ट मैच विद द क्राइटेरिया। सो यहाँ पे आप बेसिकली स्पेसिफाई ये कर रहे हैं कि जिस तरह आप एंड और की बात करते थे कि भाई कुछ में कोई एक दो क्राइटेरिया भी ट्रू हो जाते थे तब भी वो और के केस में ट्रू कर देता था उस क्वेरी को या उस रिकॉर्ड को, तो ऑल के केस में दैट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ एंड के भाई मल्टीपल वैल्यूज़ भी आ रही हैं और उन सबको मैच होना, सबको ट्रू होना ज़रूरी होता है, ठीक है जी। इसकी अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो आपने यहाँ पे रेड जो बॉक्स है इसमें सब क्वेरी है सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर जॉब आईडी इज इक्वल टू आईटी प्रोग्रामर। अब यहाँ पे ये सैलरी की मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करेगा बिकॉज जॉब आईडी आईटी प्रोग्रामर तो काफ़ी सारे होंगे, तो मल्टीपल लोगों की सैलरी रिटर्न कर रहा है और उसके क्वेरी के बाहर आपने एनी का कीवर्ड लिखा हुआ है। सो अब वो जब सैलरी मैच करेगा तो इफ़ एनी ऑफ द वैल्यूज़ मैच, क्योंकि देखिए अब आपके पास तीन डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं 9000, 6000 and 4200, तीनों रिजल्ट्स तो एक एम्प्लॉय के लिए मैच हो नहीं सकते क्योंकि ऊपर जो आउटर क्वेरी के अंदर आप सैलरी मैच कर रहे हैं ऑब्वियसली उस एम्प्लॉय की तो कोई एक सैलरी होगी, इट कुड बी 4000, इट कुड बी 4200, इट कुड बी 10000, लेकिन तीनों वैल्यूज तो नहीं हो सकती। तो अब आपने ये देख रहे हैं कि भाई ये आपके पास 9000, 6000 इसमें से कोई भी एक वैल्यू आ जाए तो आपके पास वो उस चीज़ को ट्रू कर देगा। इसी की अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो ऑल ऑपरेटर्स के साथ आपने यहाँ पे ये बात की कि भाई कंपेयर्स वैल्यू टू एवरी वैल्यू रिटर्न बाय सब क्वेरी, द एग्जांपल डिस्प्लेज हुज सैलरी इज लेस देन द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय विद अ जॉब आईडी प्रोग्रामर। अब वो बेसिकली ये कर रहा है कि इट शुड बी लेस देन ऑल ऑफ दीज,
ठीक है, कि इन सारी वैल्यूज से लेस होना चाहिए। सो एसेंशियली अब हो क्या रहा है कि वो इन सारी वैल्यूज को रिट्रीव कर रहा है और जो यहाँ की वैल्यू है इसको कंपेयर कर रहा है कि ये 9000 से भी छोटी होनी चाहिए, 6000 से भी स्मॉलर होनी चाहिए और 2200 से भी स्मॉलर होनी चाहिए। सो इट मस्ट मीट द क्राइटेरिया विद ऑल ऑफ द वैल्यूज दैट हैव बीन रिटर्न बाय सब क्वेरी। तो ये आपके पास ऑल का यूजेज है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नॉट ऑपरेटर को यूज़ किया जा सकता है विद एनी ऑफ द ऑपरेटर्स, तो किसी इनके साथ इसको कंबाइन किया जा सकता है, एनी ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर, तीनों जो ऑपरेटर्स हैं इनके साथ नॉट को कंबाइन करके इन जो आपका ओवरऑल कंडीशन थी उसके इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है। सो दिस इज़ इट फॉर आर लैब। आपके पास कुछ टास्क है, टास्क को आप प्रैक्टिस करें और इनके ऊपर अगर आपके क्वेश्चंस होते हैं तो देन वी कैन डिस्कस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट नाउ यू कैन आस्क।